चैम्बर के 75 वर्षों के इतिहास से रूबरू होंगे देशभर के कारोबारी। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चैम्बर की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, जिसका प्रीमियम शुक्रवार को चैम्बर सभागार में किया गया। इसके साथ ही चैम्बर ने अपना यूट्यूब चैनल भी तैयार किया है। फिल्म का प्रीमियम और यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने की। देखिए, कोई भी संस्था हो 75 वर्ष ऐसे ही पूरे नहीं करती। एक कठिन तपस्या होती है, जो उसके पदाधिकारी अब तक रहे हैं 75 वर्ष किसी संस्था को आगे ले जाना, और संस्था ने जो कुछ किया है उसको डॉक्यूमेंट करना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है, कि ताकि आगे आने वाली जो बाकी अध्यक्ष हैं, आगे 75 साल जो चलना है, वो इतिहास आगे बढ़ता रहे, लोग समझौते रहे। इसमें पूरी जो उसकी जो कुछ संस्था ने किसी ने किया है उसको सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना सेलिब्रेट किए हुए और बिना जगाए हुए सामाजी ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि इसके एक और डायरेक्शन भी दी कि आप संस्था से बिना पैसे लिए भी किस तरह से इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। कॉमर्स के द्वारा 75 वर्ष पूरे होने पर जो डॉक्यूमेंट्री आज बनाकर उसका लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं उसके चैम्बर के अध्यक्ष अतुल जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आदरणीय रंजीत सामा जी को भी बधाई, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा नहीं सभी का मानना है, कि जो संस्था देश अपने इतिहास को याद रखता है वह अपना भविष्य अच्छा बना सकता है। तो जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने इतिहास को याद किया है, अपने पूर्वजों के कामों को याद किया है, ये बड़ी बात है। और जब कामों को याद करेंगे तो भविष्य ठीक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये आगरा के हित में है, समाज के हित में है। जैसा कि चैम्बर का 75 साल का इतिहास डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से रंजीत सामा जी द्वारा संकलित किया गया है, और आज उसका विमोचन था। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और शहर के प्रख्यात शू एक्सपोर्टर श्री पूर्ण डावर जी उपस्थित रहे। जैसा कि चैम्बर विगत 75 वर्षों से उद्यमियों एवं व्यापारियों के समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है, इसी दिशा में इसी कड़ी को संकलित करने का प्रयास विजय सामाजी रंजीत सामाजी द्वारा किया गया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्ष जी का भी, जिन्होंने इस मौके पर विजय सामाजी और रंजीत सामाजी को इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास को सफल करने का प्रयास किया। ज़रूरी होता है कि आपने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ जो ली हैं, लेकिन उसके बाद आपने इस शहर में क्या दिया। तो मुझे लगता है कि जो ये जो गीत मेरे द्वारा लिखा गया है, इसमें कि हम ही हम मुल्क के व्यापारी, हम ही सरकार चलाते हैं, तो निश्चित रूप से जो राजस्व जो ये व्यापारी देता है उसके मुताबिक उसे सरकार चलाने का अधिकार होना चाहिए। और इस गीत को आदरणीय रंजीत सामा जी के निर्देशन में जब उन्होंने मुझसे कहा तो मेरे द्वारा लिखा गया है, और मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत पसंद किया है, और आगे यूट्यूब पर जब इसको लोग सुनेंगे तो मुझे इस रूप में भी जानेंगे कि कहाँ से कभी ये कितना अच्छी तरह से इस गीत के माध्यम से भी अपना योगदान दे सकता है शहर को। 1 अप्रैल को जब मैंने चार्ज लिया था तो हमारे कार्यकारिणी सदस्य श्री रंजीत सामा जी ने चर्चा की कि अतुल जी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं चैम्बर के, मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो नेशनल चैम्बर का जो हीरक जयंती वर्ष कंप्लीट हुआ और नेशनल चैम्बर ने अपने 75 साल के इतिहास पर जो रंजीत सामा जी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, बहुत लाजवाब, आज उसका उद्घाटन श्रीमान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के द्वारा और यूट्यूब पर लॉन्चिंग की गई है। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो ख्याति प्राप्त और राष्ट्रपति पदक पुरस्कृत श्रीमान बम्बई के हेमंत वर्मा जी के द्वारा, और इसका जो बहुत सुंदर गीत लिखा गया है हमारे आगरा के जाने माने हास्य कवि श्रीमान पवन आगरी जी और संजय दुबे जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है। तो आज